नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिजेश्वरा सक्सेस पंथा में। आज हम बात करेंगे दुनिया के महासंघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। अब बात करेंगे यूएनओ जैसे संगठन के अस्तित्व में आने का क्या कारण था। तो इसका एक ही कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई तबाही। जी हाँ, और दुनिया के शक्तिशाली देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभावों को देखकर इस चीज़ को भांप लिया था कि अब दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की जरूरत है, जिसके लिए ही 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने इकट्ठा होकर की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएसए में। तो बात करें यूएनओ के हेडक्वार्टर की, यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और अब आज की डेट में यूएनओ में कुल 193 मेंबर देश हो चुके हैं। 193वां देश इसमें शामिल हुआ था, उसका नाम था साउथ सूडान, जिसे 2011 में शामिल किया गया था। अब बात करेंगे यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो यूएनओ 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है और ये 6 लैंग्वेजेस है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है यूएनओ में। हालांकि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं इंग्लिश और फ्रेंच। अब बात करेंगे यूएनओ के अंगों की। तो यूएनओ के प्रमुख अंग हैं 6 और इन्हीं 6 अंगों के माध्यम से यह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। और ये 6 अंग हैं महासभा, जिसे जनरल असेंबली बोला जाता है। दूसरा अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे सुरक्षा परिषद बोला जाता है। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो कि इसका स्थायी अंग है। चौथा अंग है प्रन्यास परिषद, जिसे अब 1994 के बाद इनएक्टिवेट कर दिया गया है। पांचवा अंग है सचिवालय, जहां पर रोजमर्रा के कार्य होते हैं। और छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण अंग महासभा से। तो महासभा, जिसे जनरल असेंबली बोला जाता है, विश्व की संसद के नाम से इसे जाना जाता है। और इस महासंघ में दुनिया के 193 देशों के लोग शामिल होते हैं। प्रत्येक देश से 5 लोगों की डेलीगेशन यहाँ पर जाती है। तो यूएनओ के सबसे पहले महासचिव थे ट्रिग्वेली, जो कि नॉर्वे से थे, और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से है। अब बात करेंगे यूएनओ के दूसरे प्रमुख अंग की, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, जिसे विश्व का पुलिसमैन यानी पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो यूएनओ के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश हैं 15, जिनमें से 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश। तो 5 स्थायी देश, जिनके पास वीटो पावर भी है, निषेधाधिकार भी है, इन 5 देशों का नाम है, बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, फैब्रिक। तो फैब्रिक में ये 5 स्थायी देशों का नाम यहाँ पर मौजूद है। एफ फॉर फ्रांस, ए फॉर अमेरिका यानी यूएसए, बी फॉर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, आर फॉर रशिया यानी रूस, एंड सी फॉर चाइना। तो ये 5 देश है जिनके पास वीटो पावर है और यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर है। बाकी बचे 10 अस्थायी सदस्य, तो इन्हें चुना जाता है हर 2 सालों के लिए। तो वीटो पावर की बात करें, तो वीटो पावर का वर्णन मिलता है यूएन चार्टर के आर्टिकल नंबर 27 में। और वीटो पावर 2016 तक कुल 258 बार यूज़ की जा चुकी है, और सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है रशिया ने, कुल 122 बार, जबकि इसके बाद नंबर आता है यूएसए का, और यूएसए 79 टाइम्स यानी 79 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। तो वीटो पावर निषेधाधिकार, जो स्थायी सदस्यों के पास एक विशेष अधिकार मौजूद है। अब बात करेंगे यूएनओ के तीसरे अंग की, जिसे बोला जाता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे अब इकोसॉक बोला जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूएनओ का उच्च सदन है और ये स्थायी सदन है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 54 और इन 54 देशों को चुना जाता है यूएनओ की महासभा द्वारा प्रत्येक 3 साल के लिए। तो जितने भी संगठन आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें गवर्न करती है इकोसॉक। यूएनओ का चौथा अंग है ट्रस्टशिप काउंसिल, जिसे बोला जाता है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद को 1994 के बाद निष्क्रिय कर दिया जा चुका है और अब इसका कोई भी कार्य नहीं है। प्रन्यास परिषद में कुछ देश शामिल थे जिनका कार्य था अपने आसपास के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि अभी भी जातीय संस्कृति में रह रहे हैं, उन्हें तब तक अपना संरक्षण प्रदान करना जब तक कि वो खुद
प्रशासन के योग्य ना हो और सभ्य ना हो, लेकिन कोई भी विकसित देश उनकी प्राकृतिक संपदा का प्रयोग अपने हित के लिए नहीं कर सकता। लेकिन 1994 के बाद पालू देश की स्वतंत्रता के बाद प्रन्यास परिषद को इनएक्टिव कर दिया गया है। बात करेंगे यूएनओ के पांचवें अंग की, सचिवालय जिसे सेक्रेटरीट बोला जाता है। तो सचिवालय अपने रोजमर्रा के कार्य करता है। यूएनओ का छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो मानवाधिकार संबंधित सभी मामले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जजेस मौजूद रहते हैं और प्रत्येक जज का कार्यकाल रहता है 9 वर्ष का। ये था यूएनओ के बारे में जितने भी प्रमुख तथ्य थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए विजेश्वरा सक्सेस मंत्र। थैंक यू।